अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो फ्रेंड्स, आप सबका खैर मकदम है। आज हम बना रहे हैं प्रॉन्स पुलाव, यानी कि झींगा पुलाव। जी हाँ, ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है और सभी इसे पसंद करते हैं। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। झींगा पुलाव बनाने के लिए मैंने लिए हैं 500 ग्राम झींगे और इसे बिल्कुल अच्छे से क्लीन करके वॉश कर लिया है। यहाँ पर देखिए, अब मैं आपको क्लीन करना बताती हूँ। इस तरह जो झींगे होते हैं, यानी कि प्रॉन्स होते हैं, इसमें अगर इसके ऊपर कट लगाकर इसे क्लीन किया जाए तो बहुत आसानी से ये साफ़ हो जाते हैं। ये देखिए, इस तरह कट लगा के जो भी इसके अंदर गंदगी होती है वो हम इसे हटा देते हैं। इस तरह इसकी विंग्स जो है आसानी से निकल जाती है। ये देखिए, ये क्लीन ऑलरेडी था। यहाँ पर एक और मैं आपको बता देती हूँ, ये मैंने कट इस पर लगा दिया। ये देखिए जो है, इसे हम निकाल देंगे और फिर इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे। अगर ये ना निकाला जाए तो पेट में जो है बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। तो ये देखिए, मैंने इसे निकाल दिया, इससे मोशन भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, इसको इस तरह भी निकाल सकते हैं, ये नज़र पीछे से, या निकालें तो पूरी की पूरी जो है ये विंस आसानी से निकल जाती है। ये देखिए, इस तरह हाथ से इसे साफ करना चाहिए। तो ये हमारे जो है प्रॉन्स साफ हो चुके। अब यहाँ पे मैंने लिया है एक मुट्ठी हरा धनिया और साथ में थोड़ा सा पुदीना लिया है मैंने, जितना धनिया लिया है उसका आधा पुदीना। ये देखिए, और ये करी लीव्स जिसे करी पत्ता कहते हैं, इसे भी मैं साथ में ग्राइंड करने वाली हूँ। ये देखिए, ये भी मैंने इसे डाल दी, एक डाली ली मैंने। और यहाँ पर मैंने ली है 7 से 8 हरी मिर्चें। इसको अच्छे से हम इसका पेस्ट बना लेंगे। तो पेस्ट बनाने में और इसके साथ शामिल करेंगे हम, यह है लहसुन, 15 से 20 लहसुन की जो, 1.5 इंच का अदरक का टुकड़ा और आधा नींबू। अब इन तमाम चीज़ों को हम मिक्सी में डालकर इसका पेस्ट बनाएंगे। और साथ में मैंने लिए हैं 2 टमाटर। तो ये देखिए, ये रहा हरा धनिया, पुदीना, कड़ी पत्ते, इसमें मैंने डाल दी अदरक, लहसुन, और साथ में ही इसमें हम डाल देंगे 2 टमाटर। टमाटरों को मैंने हल्का सा चॉप कर लिया है, काट लिया है, बड़े टमाटर है 2। और इसके साथ ही मैं इसमें डालूंगी नींबू का रस। नींबू का रस डालने से जब हम इसे ग्राइंड करते हैं तो ये जो धनिया है वो बिल्कुल हरा रहता है, काला बिल्कुल नहीं पड़ता। साथ में मैंने डाल दिया 1/2 टीस्पून ज़ीरा। तो याद से आप भी नींबू डालकर इसे ग्राइंड करें। और इसमें मैंने मिला दी हरी मिर्चें, तमाम मसाले मिला दिए मैंने, अब इसे ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ लिया मैंने 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी, नमक, और साथ में 2 प्याज को मैंने काट लिया है, चॉप कर लिया है, 1/2 कप मटर, और ये है नारियल, फ्रेश नारियल है। नारियल काफ़ी बड़ा था तो मैंने इसकी आधा हिस्सा लिया है, आधा पार्ट लिया है। अगर आपका नारियल छोटा हो तो आप एक ले लें। इसके मैंने छोटे पीसेस कट कर लिए। अब इसका हम जो है, इसको मैंने ग्राइंड कर लिया अच्छे से मिक्सी में थोड़ा सा पानी डाल के। अब इसका हम मिल्क निकालेंगे। अगर आप चाहें तो मार्केट से रेडीमेड कोकोनट मिल्क ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं फ्रेश कोकोनट से इसका मिल्क निकाल रही हूँ। ये देखिए, मैंने मिक्सी में इसे अच्छे से ग्राइंड कर लिया था। अब इसे हम प्रेस करके इसका पूरा जो है मिल्क निकाल लेंगे। थोड़ा सा हल्का सा पानी इस पर लगा देंगे ताकि अच्छे से जो है पूरा मिल्क कोकोनट का हमें मिल जाए। ये देखिए, ये इसका चूरा और ये रहा कोकोनट मिल्क। अब यहाँ पे बघार के लिए मैंने ये 8 से 10 कड़ी पत्ते लिए, उसके साथ ही मैंने लिए हैं 1 टीस्पून ज़ीरा और 1/2 टीस्पून मेथी के दाने हैं ये, और 1 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 5 से 6 लौंग और 8 से 10 है काली मिर्चें। इससे हम जो है पुलाव को बघारेंगे। साथ में मैं इसमें डाल रही हूँ 2 जो बे लीव्स, 2 बड़े चमचे तेल मैंने गर्म किए और इसके अंदर मैंने डाल दिए
प्रॉन्स, प्रॉन्स को हमें फ्राई करना है। इस तरह फ्राई करने से जो प्रॉन्स के अंदर जो महक होती है वह बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और पुलाव बड़ा ही टेस्टी बनता है। तो पहले इन प्रॉन्स को मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी, हाई फ्लेम पर यानी तेज़ आँच पर हम इसको फ्राई कर लेंगे। जब तक ऑयल अलग ना हो जाए हम इसे फ्राई करेंगे। तो यहाँ देखिए झींगों ने पानी छोड़ दिया है, अब इस पानी को हम बिल्कुल अच्छे से ड्राई कर लेंगे हाई फ्लेम पे। ये देखिए ये प्रॉन्स बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो गए हैं, तेल इनका अलग हो चुका है। ये देखिए अब मैं इसे साइड में रखती हूँ और हम इसका पुलाव बघारेंगे। अब ये 4 बड़े चमचे मैंने इसमें ऑयल डाले, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऑयल ले सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ड्राई ना करें। अब इसके अंदर हम तमाम जो तड़के का मसाला था वो मैंने डाल दिया इसमें, कड़ी पत्ते, बे लीव्स, दालचीनी और लौंग, काली मिर्च डालकर 30 मिनट मैंने इसे अच्छे से सौटे किया। अब इसके अंदर हम डाल देंगे 2 कटी हुई प्याज, गरम मसाला फ्राई होने के बाद मैंने इसमें डाल दी 2 कटी हुई प्याज। ये देखिए प्याज जो है हल्की ब्राउन हो चुकी है, बस इतना ही इसे हमें फ्राई करना है और ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, नहीं तो पुलाव का रंग जो है वो ख़राब हो जाएगा। अनियंस के फ्राई हो जाने के बाद इसमें हम मिला देंगे पाउडर मसाले, लाल मिर्च पाउडर 1 छोटा चम्मच, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच मैंने डाला है इसमें नमक। नमक आप अपने जायके के मुताबिक डालें, आँच को मैंने बिल्कुल स्लो कर दिया है फ्लेम को, नहीं तो ये पाउडर मसाले जल जाएंगे। बिल्कुल स्लो फ्लेम पर हम इसे फ्राई करेंगे और फौरन इसमें मिला देंगे हरा मसाला जिसे हमने फ्राई किया था, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, लहसुन, अदरक, नींबू और टमाटर, इन तमाम चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे से इसका पेस्ट बना लिया, ये मैंने इसमें डाल दिया। अब इसे हम बिल्कुल अच्छे से भून लेंगे जब तक जो है ऑयल इसका अलग ना हो जाए, जब तक तेल सेपरेट नहीं हो जाता, अलग नहीं हो जाता, हम इसे फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पर, भून लेंगे अच्छे से। ये देखिए मसाला भुनना शुरू हो गया है, हल्का ऑयल जो है ऊपर नज़र आ रहा है, कुछ देर और इसे हम भूनेंगे ताकि बिल्कुल अच्छे से ऑयल सेपरेट हो जाए। मसाला काफ़ी ड्राई हो चुका है, ये देखिए अब मैं इसे मिला रही हूँ प्रॉन्स, प्रॉन्स के साथ जो ऑयल था वो भी मैंने पूरा डाल दिया। ये देखिए पूरा इसे अच्छे से डाल देंगे क्योंकि इसमें फ्लेवर होता है प्रॉन्स का, ये पूरा मैंने डाल दिया इसके अंदर। अब इसे बिल्कुल अच्छे से कुछ देर के लिए, तकरीबन 2 मिनट के लिए भून लेंगे। फ्लेम मैंने मीडियम रखी है और साथ में अब मैं इसमें मिला रही हूँ ग्रीन पीस, मटर, आप फ्रोज़न मटर भी इस्तेमाल कर सकते हो, यहाँ पर मैंने फ्रेश मटर इस्तेमाल किए हैं। और अब इसमें डाल रहे हैं हम कोकोनट मिल्क यानी नारियल का दूध, 1 बड़ा कप मैंने इसमें डाल दिया नारियल का दूध। ये नारियल का दूध आप मार्केट से रेडीमेड भी ले सकते हो। अब इसे मीडियम फ्लेम पर कुछ देर के लिए हम इसी तरह कुक करेंगे। ये देखिए ऊपर जो है ऑयल आना शुरू हो गया है, यानी ये मसाला बिल्कुल परफेक्टली अच्छे से भून रहा है। ये देखिए बहुत ही अच्छे से मसाला हमारा भून चुका, ऑयल जो है बिल्कुल अलग हो चुका है सरफेस पे, तेल आ गया है पूरा। अब इसमें अंदर डाल देंगे राइस, मैंने 1/2 किलो प्रॉन्स में 1/2 किलो राइस लिए हैं, दोनों की क्वांटिटी बराबर है। बासमती राइस को मैंने 30 मिनट्स पहले भिगो दिया था, अब इन राइस को डालकर हम 2 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करेंगे। ऐसा करने से पुलाव जो है बड़ा खिला खिला बनता है। सिर्फ 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे और फिर इसके अंदर हम मिला देंगे पानी। ये 2 गिलास राइस है, 2 गिलास चावल है, तो मैं इसमें मिलाऊंगी 4 गिलास पानी, चावल का दुगना हम इसमें पानी मिलाएंगे। मैंने 4 गिलास पानी इसमें मिला दिया, अब इसे हल्का सा मिक्स कर लेंगे ताकि मसाला बिल्कुल अच्छे से पानी में जो है पानी और चावलों में मिक्स हो जाए। अब आखिर में इसमें डाल देंगे नमक, थोड़ा सा टेस्ट कर लेंगे और उसके बाद अपने टेस्ट के मुताबिक नमक डालेंगे। फ्लेम को मैंने हाई कर दिया है, तेज़ आंच कर दी है ताकि उबाल इसमें जल्द आ जाए। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक, मसाले में हम पहले नमक डाल चुके हैं इस बात का ध्यान रखें, और इसको हल्के से मिक्स कर लेंगे और अब इंतज़ार करेंगे इसके उबाल का। उबाल आ गया है, जब पानी थोड़ा ड्राई हो जाएगा तो हम इसे ढककर तकरीबन 20 मिनट स्लो फ्लेम पर कुक करेंगे।
20 मिनट तक इसे हम दम पर रखेंगे। ये देखिए अब इसे मैं ढक दी, 20 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए पुलाव बहुत ही अच्छे से हमारा कुक हो चुका है। पानी ड्राई होने के बाद 20 मिनट मैंने इसे स्लो फ्लेम पर दम कर दिया। अब इस तरह इसको थोड़ा सा हम लूज़ कर देंगे तो देखिए पुलाव के दाने जो है बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगे चावलों के दाने। ये देखिए बहुत ही मज़े का, बहुत ही टेस्टी प्रॉन्स पुलाव हमारा तैयार है। चलिए इसे गर्मा गर्म हम सर्व करते हैं। बहुत ही टेस्टी बना है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और अगर आपको पसंद आए तो हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें, लाइक करें और साथ में हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।